आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। तो यही एक जनरल तरीका है कि जिस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें तभी आप पूरा प्रोसेस को समझ पाओगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूजफुल वीडियो और टेक्निकल रिलेटेड देखने के लिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए दो जनरल तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा uidai.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, आप वहां से भी डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। सबसे पहले आपको माई आधार पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोकेट एंड इनरोलमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनरोलमेंट अपडेट सेंटर हैं, जो भी आपके नज़दीक में पड़ते हैं उन्हें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आप चाहे स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो पिन कोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो सर्च बॉक्स, हम यहाँ पर फिलहाल पिन कोड वाइज ही सर्च करेंगे। पिन कोड पे ओके करेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, उसके बाद सैम ये कैप्चर यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोकेट ए सेंटर पे ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परमानेंट आधार सेंटर है उनके यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंप मोड पे भी हमारा जो आधार सेंटर है इसका भी अपडेट यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप अपना आधार सेंटर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसका पूरा एड्रेस देख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस देखने के लिए हमें उसी वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट, इस पे ओके करेंगे। यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट में आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं कि आप यहाँ से कौन कौन सा करेक्शन करवा सकते हैं। फ्रेश आधार, इनरोलमेंट, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट, बायोमेट्रिक, फोटो, फिंगरप्रिंट, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन चीजों से आप अपने आधार कार्ड का करेक्शन, सो फिलहाल हम यहाँ पे मोबाइल और ईमेल आईडी को अपडेट करना है। जो भी आपका नजदीकी आधार सेंटर पड़ता है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे केसेस में है देहरादून जीएमसी रोड, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पहला वाला यूआईडीएआई के अंडर आता है, उस यहाँ पे लोकेशन देखनी है कि आधार सेंटर की कौन सी लोकेशन नजदीक पड़ती है, कि हमारे केसेस में देहरादून जीएमसी रोड पड़ता है तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे ओके करेंगे। हमें आधार कार्ड को अपडेट करवाना है तो आधार अपडेट पे ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चर डालना होगा, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे ओके करना होगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे ओके करेंगे, यहाँ पे रेजिडेंट ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद नेम डालना होगा, जो आपके आधार कार्ड पे सैम है, सैम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप्स में आपको डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट रहने देना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आधार सेवा केंद्र सिलेक्ट करना होगा, जो आपके नजदीकी आधार सेंटर पड़ता होगा वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आधार सेवा केंद्र सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, करेक्शन करने के लिए आपको जो करेक्शन करना होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे ओके करेंगे। यहाँ पर आपको डेट और टाइम दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं, जो रेड वाले हैं यहाँ पे ये स्लॉट अवेलेबल अभी नहीं है, तो जो व्हाइट में आपको जितने भी दिख रहे हैं ये स्लॉट अभी अवेलेबल है। जैसे कि हम 29 तारीख को स्लॉट बुक करना चाहते तो हमारे पास यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डेट हमने सिलेक्ट कर ली, अब हम टाइम सिलेक्ट करेंगे किस टाइम पे हमें जाना है, 11:10 से लेकर 11:30 तक जाना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने जो टाइम सिलेक्ट किया आपके सामने यहाँ पे आ चुका कि हम किस टाइम पे आधार सेंटर जो हमने अपॉइंटमेंट बुक की है उस अपॉइंटमेंट का जो टाइम है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कौन से अपॉइंटमेंट पे हम जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है, हमें सिंपली यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जो भी आपने डिटेल फिल की है एक बार उसे आप चेक कर सकते हैं कि कहीं भी डिटेल कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर एक बार आपकी डिटेल मिस्टेक हो जाती है और आपका जो चार्जेस है यहाँ पे कट जाता, दोबारा से आप अपनी डिटेल फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप एक बार अपनी डिटेल को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे।
तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर हमें 50 रुपीज़ चार्ज करने होंगे। 50 रुपीज़ चार्ज करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पे ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पे ओके करेंगे। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट ID नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो आधार केंद्र सेंटर का जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। हमने जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट की है वो भी आपको स्लिप में मिल जाती है देखने के लिए। उसके बाद जो हमने पेमेंट की है वो भी स्लिप देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को अपडेट कर सकते। उसके बाद हमें एक हफ्ते से लेकर 15 दिन के बाद आधार सेंटर जाना होगा, वहाँ पे एक स्लिप मिल जाएगी जिसमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट होकर आ जाएगा। तो जाने से पहले आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड को जो अपडेट करवाया है, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है आधार सेंटर में, और आप वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है। तो सो ये था कम्प्लीट प्रोसेस, इस तरह से आप अपना आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं। सो ये था कम्प्लीट प्रोसेस, इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर और Gmail ID अपना आधार कार्ड से अपडेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।